बिफोर वी स्टार्ट विद द सम्स, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इनकी पहचान होनी ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन में वो किस टाइप का, आपको ये पहचान होनी ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन, नॉर्मली आपको इस तरह का डाटा होता है, ठीक, 10 to 15, 15 to 20, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है, ठीक। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें जो 15 है वो यहाँ काउंट होता है, तो लोअर लिमिट जो इसकी होती है, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, इसमें ये याद रखना होता है आपको, ठीक। 20 को काउंट करना है तो यहाँ नहीं, अपर लिमिट में नहीं, लोअर लिमिट, यू नो दिस इज लोअर, दिस इज अपर, दिस इज लोअर, दिस इज अपर। हर क्लास इंटरवल के लिए लोअर और अपर लिमिट्स अलग अलग होंगी, तो नोट कर लो, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, ठीक। फिर होता है इंक्लूसिव सीरीज, इसमें दोनों इंक्लूडेड होती हैं, 14 यहाँ काउंट होगा, 10 यहाँ काउंट होगा, क्योंकि गैप है, तो इसको कहा जाता है इंक्लूसिव सीरीज। अब ये विड्थ ऑफ इंटरवल जो देखना होता है, विड्थ ऑफ इंटरवल, वो हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। यहाँ पर आप दो क्लासेस को लोअर लिमिट माइनस करोगे, यानी 15 में से 10 माइनस करोगे, यहाँ भी विड्थ 5 है, यहाँ भी विड्थ 5 है। कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है, नोट डाउन। विड्थ ऑफ इंटरवल, चाहे दो लोअर लिमिट्स को माइनस करो या दो कंजेक्टिव अपर लिमिट्स को माइनस करो, आपको विड्थ मिल जाएगी। इस केस में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तब विड्थ मिलती है, क्लियर, नोट डाउन। नेक्स्ट है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड में क्या होता है, फर्स्ट वाला आपको दिया होगा लेस देन 15, ठीक है, एंड में दिया होगा मोर देन 35, तो इसको कहते हैं ओपन एंड। स्टार्टिंग या एंडिंग में उसने लिमिट नहीं डिस्क्राइब की होती, तो दिस इज ओपन एंड, ईजी। नेक्स्ट इज कम्युलेटिव, जैसे आपको दिया होता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, या मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, तो वो जो सामने नंबर होता है वो कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव मीन्स, जैसे लेस देन 10 5 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 20 12 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 5 भी उस 12 में आ गए, ठीक है ना। लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले भी काउंट कर लिए, तो ये कम्युलेटिव होता है, पिछला वाला नंबर उसमें काउंट होके आगे जाता है, राइट। मोर देन 10, मोर देन 20, तो मोर देन 10 और मोर देन 20 में मोर देन 20 का नंबर कम होगा, मोर देन 10 का ज़्यादा होगा ना। मान लो 20 से ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं वो हैं 16 स्टूडेंट्स, तो जिनके 10 से ऊपर आए हैं वो 16 से ज़्यादा होगा, तो यही फ़र्क होता है। जो लेस देन वाली सीरीज़ है उसका सबसे पहले वाला नंबर छोटा होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो मोर देन सीरीज़ है उसका सबसे ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, फिर कम होता जाएगा, यानी कि वो नीचे से स्टार्ट होती है, सबसे नीचे वाला छोटा, फिर बढ़ते बढ़ते वो ऊपर आते हैं मोर देन के केसेस में, ये बात याद रखिए। और लास्टली मिड वैल्यूज़, जैसे 10 to 20 है, आपको मिड वैल्यू दी होगी 15, नेक्स्ट मिड वैल्यू दे दी 25। अगर आपको ये मिड वैल्यूज़ पता हैं तो आप इससे क्लास इंटरवल्स बना सकते हो। कैसे, इन दोनों की आप विड्थ चेक करोगे, 10 है तो आप 5 इसमें ऐड कर दोगे और 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप देखोगे ये 10 से 20, अगला 5 माइनस होगा 20 to 30, तो जितनी टोटल विड्थ था उसका हाफ करके माइनस कर दो और उसी में प्लस कर दो, आपको इंटरवल मिल जाएगा, राइट। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी गिवन, क्वेश्चन की फॉर्म इनमें से कोई भी हो सकती है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, नोट डाउन।